Do you know 10 best places in Junagadh? Hello guys, my name is Niv and welcome to Backpack. तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्लेस टू विजिट इन जूनागढ़। अगर आप जूनागढ़ आ रहे हैं और ये 10 पर्यटन स्थल आप नहीं देखे मतलब कुछ नहीं देखा। पहले नंबर के ऊपर है गिरनार माउंटेन। यस, जूनागढ़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर भवनाथ में स्थित गिरनार माउंटेन जिसकी हाइट है 3383 फीट, बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर ट्रैकिंग पसंद है, आपको मंदिर पसंद है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। दिल को सुकून मिलने वाली जगह है, बहुत अच्छी, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आपने अगर नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके एक बार वो वीडियो देखिए, बहुत अच्छी जगह है गिरनार माउंटेन। और दूसरे नंबर पर है गिर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो जूनागढ़ से 65 किलोमीटर दूर है और 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और ये जगह है अपने एशियाटिक लायन की वजह से बहुत ही जानी जाती है और ये लायन सिर्फ यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर है दामोदर कुंड जो कि जूनागढ़ शहर से थोड़ी दूर पर भवनाथ में ही है और इस कुंड का भगवान शिव और पार्वती से पौराणिक संबंध है, इस प्रकार इसे बहुत पवित्र माना जाता है। चौथे स्थान पर है ऊपरकोट फोर्ट जिसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था। किले के प्रवेश द्वार ट्रिपल गेट है जो 70 फीट तक की दीवारों से जुड़े हुए हैं। परिसर के भीतर कुछ बौद्ध गुफाएं, चरण कुएं, एक मकबरा और एक मस्जिद स्थित है। हालांकि कई बार बनाया और पूर्ण निर्माणित किया गया लेकिन यह किला शहर में घूमने के लिए प्रतिष्ठित स्थान में से एक बना हुआ है। पाँचवें नंबर के ऊपर है अशोक शिलालेख जो कि भवनाथ में स्थित है। इस शिलालेख में अशोक की पूरी कहानी है और 16 सिद्धांतों का उपदेश है। अशोक शिलालेख को 1882 में जूनागढ़ में जेम्स टोड ने पाया था। ये भारत के इतिहास को पसंद करने वाले सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है। ये जूनागढ़ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में से भी एक है। अभी नंबर 6 पे है शक्करबाग जू। इस जगह पर आए बिना आपका दौर अधूरा रहेगा। एशियाटिक लायन के लिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जगह शक्करबाग जू है। आप प्रकृति वातावरण में विभिन्न जानवरों, पक्षियों और सांपों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। शक्करबाग जू बहुत ही बड़े क्षेत्र में घिरा हुआ है यह और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और उसको बहुत पसंद आएगी यह जगह। तो आप जूनागढ़ आ रहे तो ये जगह भी ज़रूर विजिट कीजिए, शक्करबाग जू। नंबर 7 इज विलिंगटन डैम। ये डैम का निर्माण कलार नदी पर दातार की तलहटी के पास हुआ था। इस डैम का निर्माण ब्रिटिश सरकार के दौरान किया गया था। ये जूनागढ़ में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। मॉनसून के मौसम में ये जूनागढ़ वासियों के लिए पिकनिक स्थल बन जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो लास्ट ईयर मॉनसून की है, मेरी खुद की है। वाकई में आप इसकी खूबसूरती देखना चाहते हो तो मॉनसून का मौसम यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में इस जगह की विजिट कीजिए। ये सबसे अच्छा समय है इस जगह की विजिट करने के लिए। नंबर 8 इज़ मोतीबाग। मोतीबाग को वनस्पति उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इस उद्यान को कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में रखा गया है। यह शहर के सबसे बड़े और खूबसूरत उद्यानों में से एक है और ये जगह जूनागढ़ वासियों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि सुबह यहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, योगा के लिए सब इकट्ठे होते हैं और बहुत बहुत अच्छी जगह है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जगह भी एक बार ज़रूर विजिट करनी चाहिए। नंबर 9 इज़ अड़ी-कड़ी वाव और नौगढ़ कुआ। ये ऊपरकोट के अंदर स्थित सीढ़ी वाले दो कुएं हैं। दूसरे सीढ़ी वाले कुओं से अलग ये एक चट्टान से बने हैं और कोई अन्य बाहरी तत्व इनके निर्माण में उपयोग नहीं किए गए हैं। अड़ी-कड़ी वाव 9 पर्वतों वाला एक गहरा कुआ है। ये कुआ 15वीं सदी में बनाया गया था। नंबर 10 इस मोहब्बत मकबरा जिसे जूनागढ़ का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ये एक सुंदर मकबरा है जो जूनागढ़ के नवाबों के शासन के दौरान बनाया गया था। कहा जाता है कि इसे 1892 में बनाया गया था। अद्भुत संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। संस्कृति का संलयन और गोथिक कला इस स्थान को इतिहास का एक यादगार टुकड़ा बनाता है। तो गाइज ये थे टॉप 10 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन जूनागढ़। बहुत ही अच्छी अच्छी जगह थी। आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अकेले भी आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और इस जगह पे एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।